गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक नई अपडेट लेकर आया हूँ। कोरोना वायरस के जैसे मुंबई में 5,000 केसेस हो चुके हैं, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने अर्जेंट स्टाफ नर्स की भर्तियां निकाली हैं। आइए हम एक एक करके इस भर्तियों के बारे में जानते हैं। ये जो भर्ती है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में निकाली गई है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। इसमें वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा सैटरडे संडे को छोड़कर, बाकी आप 10 सुबह 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक यहाँ इंटरव्यू लिया जाएगा एचआर डी डिपार्टमेंट पर, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर है। आप जाकर यहाँ वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और 31 मई तक चलेंगी। यहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। यहाँ जो भर्ती निकाली गई है वो एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ स्टाफ नर्स वालों के लिए निकाली गई है और ये टेम्पररी बेसिस पर है। ये भर्ती टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एचआरडी डिपार्टमेंट में निकाली गई है। वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। बस आपको सैटरडे संडे छोड़कर बाकी सारे दिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं टाटा मेमोरियल एचआरडी डिपार्टमेंट सर्विस, ब्लॉक नंबर 4th फ्लोर, डॉक्टर मर्ज पैरल, मुंबई 40012। ये आपको एड्रेस दे दिया गया है, आप इस एड्रेस में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। पोस्टों की बात करें तो नर्स, प्रोजेक्ट नर्स और नर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट नर्स ओनली परमानेंट बेसिस। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी है बीएससी नर्सिंग मांगी है। और फ्रेशर के लिए जो यहाँ मंथली वेजेस बनेगा, मंथली इनकम दी जाएगी फ्रेशर को, वो 23,000 से 25,000 दी जाएगी जीएनएम के लिए, और बीएससी नर्सिंग के लिए 25,000 दी जाएगी फॉर फ्रेशर। यहाँ दोनों के लिए निकाली गई है भर्ती, जीएनएम और बीएससी फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस दोनों के लिए यहाँ निकाली गई है। आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना होगा। और फ्रेश और यहाँ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस में जीएनएम को दिया जाएगा 25,000 और बीएससी को दिया जाएगा नर्सिंग वालों को 27,000। और यहाँ एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर के अंदर आपको लगभग एज लिमिट दी है। यही एक्सपीरियंस फ्रेशर बोथ के लिए यहाँ निकाली गई है। आपको कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं अप्लाई करना है, डायरेक्ट जाके वॉक इन इंटरव्यू देना है दिए गए पते में। जब आप वॉक इन इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अपनी मार्कशीट, बायोडाटा की अटेस्टेड कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर हो, अगर फ्रेशर हो तो कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, और अपना बायोडाटा अटेस्टेड कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ ले जानी है। और ये जो वैकेंसियां निकाली गई हैं वो टेम्परेरी बेसिस पर निकाली गई हैं। आप 30 मई के पहले पहले जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें सीधा मेरिट कट ऑफ और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और बात करते हैं तो इसमें जो वैकेंसियां जो निकाली गई हैं वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के लिए अर्जेंट हायरिंग के लिए निकाली गई हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 31 मई के पहले पहले, और 24 अप्रैल से इसकी स्टार्टिंग इंटरव्यू चालू हो चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने पे तो आप कमेंट कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ रोज़ अपडेट दी जाएगी।